इतनी बड़ी बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके प्रत्याशियों ने पर्चा वापस ले लिया है, लेकिन आपने उनको अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई? एक समय प्रदेश में ऐसा भी था कि आपकी पार्टी के लिए लोग प्रत्याशी नहीं मिलते थे, आज विपक्षी दल की वही हालत है। लोग आपकी पार्टी के लोग तो आपको चाणक मान ही रहे, लेकिन विपक्षी लोग भी चाणक आप ही को मान रहे। निकाय चुनाव को लेकर पिछले कई दिनों से झांसी की चिरगांव नगरपालिका सीट पर सबकी निगाहें केंद्रित थी। अब उस सीट से वहाँ के जो प्रत्याशी हैं, पहले तो उन्होंने भाजपा में शामिल हुए, उसके बाद विधायक बबीना राजीव सिंह पारीच्छा की मेहनत से वहाँ पर निर्विरोध वो चुने गए हैं। हमारे साथ विधायक राजीव सिंह पारीच्छा जी, उनसे हम बात करते हैं। विधायक जी, ये कैसे संभव हुआ कि इतनी बड़ी बड़ी क्षेत्रीय पार्टियाँ जो विपक्षी पार्टियाँ हैं उनके प्रत्याशियों ने पर्चा वापस ले लिया? ये सब कुछ जो हासिल हुई है सफलता हम लोगों को, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं का नेटवर्क, भारतीय जनता पार्टी की एकदम अंतिम व्यक्ति तक पहुंच और जनता में लोकप्रियता, और उसके पीछे इन सारी चीज़ों के लिए आधार है मोदी जी का काम, मोदी जी की जो एक आम आदमी गरीब के लिए जो योजनाएं हैं, और उन योजनाओं के लिए ज़मीन तक पहुंचाने के लिए जो योगी जी का नेटवर्क है, उनकी तपस्या है, उनका जो संकल्प है, इन सारी चीज़ों की बदौलत आज भाजपा बहुत मजबूत है ग्राउंड पर। और चिरगांव वो क्षेत्र है जहाँ पे भाजपा हमेशा से मजबूत रही। जब सब जगह हम कहीं कमज़ोर दिखाई देते तब भी हम चिरगांव में बहुत मजबूत होते थे। हमारे विपक्ष में थोड़ा बहुत ये राजा जब निर्दलीय होते थे वही लड़ाई में रहते थे, जब भाजपा और राजा का जो परिवार है वो पूरी तरीके जब एक हो गए तो वहाँ किसी दल के पास कुछ था ही नहीं, सभी दल शून्य की स्थिति में खड़े हैं। और वैसे तो पूरे प्रदेश में शून्य की स्थिति में, लेकिन चिरगांव में उनकी स्थिति ज़्यादा बदतर है। जो बसपा का प्रत्याशी थे वो प्रत्याशी अभी पिछले 2022 के चुनाव में हमारे साथ में थे, ज़बरदस्ती उनको सिंबल पकड़ा दिया, कोई था ही नहीं लेने के लिए। और जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के थे वो भी पिछले 2022 के चुनाव में कहीं ना कहीं हमको समर्थन कर रहे थे, इंटरनल वो हमारे संपर्क में थे। तो ये ऐसे लोग थे जो कहीं ना कहीं भाजपा और मोदी जी और योगी जी के समर्थक हैं, उनको तो कोरम पूरा करना था, और कोरम पूरा करने के लिए बहला फुसला कर उनको सिंबल पकड़ा दिया। बाद में जब दो तीन दिन में उन्होंने ज़मीनी हकीकत को देखा कि केवल और केवल हार ही उनके सामने है, और हार भी वो लंबी हार है, तो उन्होंने कहा ये बेहतर है कि हमारे भाजपा जब अपना कैंडिडेट यहाँ जिताने जा रही है और क्षेत्र का और नगर पालिका का हमको विकास करना है और इसको एक आदर्श नगर पालिका बनानी है, एक बेहतरीन नगर पालिका बनानी है, एक सुंदर नगर पालिका बनानी है, तो उसके लिए हम सब क्यों ना योगदान कर दें, हम सब लोग क्यों ना योगदान करें। तो सब लोगों ने मिलकर ये तय किया कि नगर पालिका चिरगांव को एक हम मैसेज के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश में स्थापित करेंगे कि हाँ, हम सब लोग बैठकर एक समन्वय के आधार पर यहाँ पे हम निर्णय लेंगे, और जो प्रत्याशी जीतने की स्थिति में है और बहुत बेहतर स्थिति में जीत रहे हैं भाजपा के प्रत्याशी, उनके समर्थन में ही हम क्यों ना बैठ जाएं और एक मैसेज दें कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है, अगर भाजपा अच्छा काम कर रही है तो हम भाजपा के साथ जुड़ें, और भाजपा का जब जो प्रत्याशी है वही जीत रहा है तो उसी को हम ना क्यों चुनाव के पहले ही समर्थन दे के और उसको नगर पालिका का अध्यक्ष बनाएं। और आज वही परिणाम हमारे सबके सामने आया, चूँकि मैं ये देखता हूँ कि इस परिवार के प्रति चिरगांव के लोगों में श्रद्धा है और भाजपा की लोकप्रियता है और हम सब का और हमारे संगठन का समन्वय है, ये तीनों चीज़ों का जो मिश्रण है वो आज निर्विरोध निर्वाचन के रूप में हम सब देखते हैं। एक संजय राजा का परिवार बड़ा स्तंभ है चिरगांव के लिए, और वो लंबे समय से, जब से मुझे याद है चेयरमैनी या वहाँ पे शुरू हुई तो उसके बाद से उन्हीं के परिवार का कोई ना कोई या उनका समर्थक जैसे सीट बदली तो बनता आ रहा है, उनकी लोकप्रियता है, लेकिन आपने उनको अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई? और उसका लोग आपकी पार्टी के लोग तो आपको चाणक मान ही रहे, लेकिन विपक्षी लोग भी चाणक आप ही को मान रहे कि राजीव सिंह पारीच्छा थे तभी संभव हुआ, नहीं तो ऐसा आज तक हो नहीं पाया वहाँ पर। और प्रदेश में एक ही सीट अभी, जैसी हमें जहाँ तक की जानकारी है कि एक ही सीट अभी निर्विरोध हुई है नगर पालिका। ये सारी योजना और सारी रचना हमारे संगठन की है, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा थिंक टैंक है, भाजपा के पास एक से एक लोग हैं, और हम और आप नहीं पूरी दुनिया इस चीज़ को जानती है, और पूरी दुनिया लोहा भी मानती है, सभी राजनीतिक दल लोहा मानते हैं। लेकिन असली चीज़ जो इस चुनाव में हमें देखी है,
कि इस बार कोई भी दल जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि इस बार भाजपा को क्यों ना बिना प्रयास के वोट दिया जाए। और जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्योंकि केंद्र से जो धन आता है वो राज्य के पास दिल्ली में लखनऊ आता है दिल्ली से, और दिल्ली से जब नगर पालिकाओं नगर निकायों में आता है, अगर वहाँ पर बेहतर व्यक्ति नहीं बैठा होगा, और भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि भाजपा की ये क्रेडिट है कि भाजपा का अगर व्यक्ति बैठा होगा तो विकास करेगा, अपने क्षेत्र का बेहतर विकास करेगा, अच्छा समन्वय करेगा, तो ये सारी चीज़ें जनता जानती है। तो उसने कहा क्यों ना हम ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएं, क्योंकि चिड़गांव में जो ये परिवार है इसके प्रति लोगों की श्रद्धा है, लेकिन जनाधार भाजपा का है। नगर पालिका के अलावा चाहे लोकसभा का चुनाव हो, भाजपा को 70% से 75% वोट मिलता है, विधानसभा का चुनाव हो 75% से 80% तक वोट मिलता है, तो भाजपा का तो वह मजबूत गढ़ है चिड़गांव, तो वहाँ तो वोट ही किसी का नहीं है, केवल और केवल भाजपा का वोट है, और थोड़ा बहुत वोट जो था वो इस परिवार का था, लेकिन बाकी परिवार में श्रद्धा है। तो कई ऐसे लोग थे जो भाजपा को अन्य चुनाव में वोट देते हैं, लेकिन इस चुनाव में कहीं ना कहीं उस परिवार के साथ में अपना समर्थन व्यक्त करते थे, लेकिन ऐसे ही लोगों की राय थी कि राजा अब आपको, राघवेंद्र सिंह जी आपको बहुत दिन तक निर्दलीय नहीं रहना है, और वो भी इस बात को मानते थे कि हम विकास नहीं कर पा रहे हैं, विकास करने के लिए हमको भाजपा से ही जुड़ना पड़ेगा। और वह उनको इस चीज़ को उन्होंने महसूस किया, वो जब महसूस किया उन्होंने तो उनको कई दिनों से ऐसा लग रहा था कि अब चुनाव आने वाला है और भाजपा हमको टिकट दे चाहे ना दे, हमको भाजपा से ही जुड़ना है, भाजपा जिसको टिकट देगी उसको हम लोग चुनाव जिताएंगे, और चिड़गांव नगर पालिका को, चिड़गांव को हम एक आदर्श, एक उदाहरण के रूप में हम इसको विकसित करेंगे। और ये उनका भाव था, उस भाव को लेकर भाजपा में आए, शीर्ष नेतृत्व से मिले, उनसे उन्होंने बात की जैसा हम भाजपा से जुड़ना चाहते हैं, और चिड़गांव को एक जो उसका राष्ट्रीय गौरव है, जो राष्ट्रीय पहचान है चिड़गांव की, उस पहचान को हम लोग यहाँ ज़मीन पर उतारना चाहते हैं। तो राष्ट्रीय क्या नाम है हमारा प्रदेश नेतृत्व ने, उच्च जो हमारे नेतागण हैं उन्होंने इस बात को इनकी बातों के साथ में अपनी बातों को जोड़ा और कहा कि बात आपकी बिल्कुल ठीक है, हम सब लोग मिलके चिड़गांव को एक बेहतर चिड़गांव बनाते हैं, और आप आइए, स्वागत है, और हम विचार करेंगे, हम आपको टिकट की कोई गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन ये बात सही है कि जो भी पैनल होगा उस पैनल में मेरिट के आधार पर हम लोग तय करेंगे। और मुझे लगता है ऊपर के नेतृत्व ने एक बेहतरीन निर्णय किया, उस निर्णय की आज ये जीत है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी आदरणीय भूपेंद्र जी और हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री आदरणीय धर्मपाल जी, इनका बेहतरीन समन्वय और उनकी स्क्रीनिंग और जो चयन प्रक्रिया है, और चयन प्रक्रिया में लगे हुए लोग हैं, उनके ही इस चयन के परिणाम के कारण ये चीज़ हमको आसानी से प्राप्त हुई। विधायक जी, क्या आप ये मानते हैं कि जैसे और पार्टियां हैं, अब कई ऐसे चेहरे आ गए, झांसी नगर निगम का ले लीजिए आप, और भी जगह लोगों को प्रत्याशी नहीं मिल रहे, विरोधी जो आपके दल हैं उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे, तो क्या लगता है कि उनका उन पार्टियों से या उनके उस दल से मोह भंग हो गया है लोगों? तो ये तो आप भी जानते ही हैं, मोह भंग नहीं होता तो 2014 में हम लोग चुनाव जीते थे। समाजवादी पार्टी 2012 के बाद कोई चुनाव जीती है? लगातार उसका वोट परसेंटेज गिरता चला जा रहा है, सीटें गिरती चली जा रही हैं, गठबंधन पे गठबंधन वो कर रहे हैं, लेकिन जनता उनके गठबंधन को हर बार ठुकरा देती है, वो कहती है ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। तो जनता के प्रति इनका व्यवहार कहीं ना कहीं इनको अलोकप्रिय बनाने में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, सत्ता में होते हैं तो केवल लूट करते हैं, अपने घर भरते हैं, परिवारवाद करते हैं, जातिवाद करते हैं, तो जनता को लगता है कि भाजपा से बेहतर कोई पार्टी ही नहीं है, मोदी से बेहतर कोई देश में और दुनिया में नेता नहीं है, और मुख्यमंत्री योगी से बेहतर पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। तो जो इतना बढ़िया मटेरियल भाजपा के पास है, इतने बढ़िया लीडर भाजपा के पास है, तो आदमी क्यों भाजपा से दूर जाएगा? और हमारे जो काम करने के तरीके हैं और जो उदाहरण हमने सेट किए, झांसी देख लो आप, इन 7-8 सालों में झांसी में कितना परिवर्तन हुआ है, झांसी स्मार्ट झांसी बनी है, सुंदर झांसी बनी है, सारी चीज़ें झांसी में यहाँ इस समय उपलब्ध हैं, स्टेशन देख लो, साफ सफाई देख लो, मतलब आपको लगेगा कि बिजली की व्यवस्था देख लो। मैं समझता हूँ कि जितना इन 7-8 सालों में झांसी में काम हुआ है, प्रत्येक नगर पालिका और टाउन एरिया में काम हुआ है, ये तो आपको हमको सबको दिखता ही है ना, तो जनता को भी दिखता है, तो जनता नहीं चाहती कि हम भाजपा से दूर हों।
अच्छा, अभी हाल ही की बात है, जो पूर्व मेयर थी किरण वर्मा, उनका पार्टी के प्रति ऐसा कुछ हो गया था कि उन्होंने निर्दलीय, वो उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन उसमें फिर आपको बीच में आना पड़ा, आपने किरण वर्मा जी की क्या नाम पार्टी में फिर वापसी कराई, आपने तमाम चीज़ें, मतलब उन्होंने जो अपना पर्चा नामांकन वापस लिया और भाजपा के समर्थन में वो फिर से आ गई, तो क्या वजह रही, किन बातों को लेकर वो नाराज़ थी? नाराज़गी तो घर परिवार में होती है और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है नाराज़गी, और नाराज़गी होती भी है और नाराज़गी का समाधान भी होता है, लेकिन ये स्वस्थ प्रक्रिया है, स्वस्थ भाव है ये कि एक सामान्य हम अपने परिवार में अपने माता पिता अपने जो सीनियर उनसे नाराज़ होते हैं, अपने मन की बात कहते हैं, और ये हमारे परिवार का सिस्टम, यही खूबसूरती है। किरण वर्मा के पति और उनके ससुर साहब भारतीय जनता पार्टी के स्थापना के दिवस से कार्यकर्ता है, भाजपा जब से बनी है तब के वो कार्यकर्ता है, इमरजेंसी जैसे हालात में वो जेल काट के आए हैं, तो वो परिवार तो भाजपा का अटूट हिस्सा है। लेकिन कभी कोई नाराज़गी हो जाती है, उस नाराज़गी को प्रदेश नेतृत्व को जब पता चला तो तुरंत उन्होंने उस नाराज़गी को दूर किया और वो आज पूरे तन मन और धन के साथ में लगी हुई है। और मैं समझता हूँ जितने मेहनत से बिहारी लाल जी लगे उससे ज़्यादा ताकत से लगी है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, तो उसके पीछे का भाव ये है कि झांसी नहीं दूंगी यानी झांसी भाजपा की है, लगातार दो बार से भाजपा यहाँ पर जीत रही है, भाजपा का हैट्रिक का चांस है, तो हैट्रिक भाजपा बनाएगी, ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है, केंद्र में मोदी, प्रदेश में योगी और झांसी में बीजेपी का मेयर, तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार और हैट्रिक, ये तीनों चीज़ें एक साथ लगाने के लिए उन्होंने संकल्प लिया है कि मैं झांसी किसी दल को नहीं दूंगी, ये भाजपा के पास ही रहेगी। और जो बिहारी लाल जी हैं बहुत भारी प्रत्याशी हैं, जो लोग कहते हैं बाहरी प्रत्याशी नहीं भारी प्रत्याशी हैं, उनके सामने कोई टिकता नहीं है, समाजवादी पार्टी रोज़ अपने प्रत्याशी घोषित कर रही है फिर वापस ले रही है, बसपा के प्रत्याशी के नाम को कोई जानता नहीं है, कांग्रेस ने बताने की घोषित किया है कि नहीं किया है, कोई उनको मिल गया हो तो बड़ी बात है, ढूंढ तो रहे थे लेकिन कोई उनके यहाँ आया नहीं आवेदन करने के लिए। आम आदमी पार्टी भी प्रयास कर रही है उत्तर प्रदेश में कि हमको लोग पहचानने लगे, लेकिन जनता के दिल में केवल मोदी और योगी राज करते हैं उत्तर प्रदेश की, बेहतर कानून व्यवस्था है, आज यूपी का लोग उदाहरण देते हैं, देश में नहीं विदेशों में देते हैं, ऑस्ट्रेलिया और बाकी जगह कनाडा जैसे देशों में कहते हैं कि हमको मोदी जैसा शासक चाहिए, तो जिस प्रदेश का मोदी शासक हो वो क्यों इधर उधर भटकेगा। तो क्या लगता है, जैसा आपको बहुमत विधानसभा चुनाव में पूरे बुंदेलखंड में सभी सीटें आपकी झोली में आई थी, आपकी पार्टी की झोले में आई थी, तो क्या इस बार भी झांसी और अन्य जगह की सीटें सब आप ही की पार्टी की झोले में आने वाली? मुझको पूरा विश्वास है कि जो वोट परसेंटेज हमको 2022 में मिला था उससे ज़्यादा वोट और परसेंटेज हमको इस चुनाव में मिलने वाला है। जो अभी तक के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय में सफलता नहीं पाई, मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में और संगठन के जो कुशल रणनीतिकार हैं प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री, उनके नेतृत्व में, चारों लोगों के नेतृत्व में बेहतरीन परिणाम इस बार भारतीय जनता पार्टी बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश में देने जा रही है। ये सारी चीज़ें हमारे सामने जिस दिन मतगणना होगी वो हमारे आपके सामने आ जाएगी। आपने इतिहास की बात की तो इतिहास तो आपने रच ही दिया, जो इकलौती पूरे प्रदेश में जो सीट है आपने उसको आपके अथक प्रयास से जो आपने रणनीति बनाई उसमें आप सफल हुए और वो निर्बोध हो गई, और निर्बोध ऐसे जो अन्य प्रत्याशी हैं उन्होंने वो अपना पर्चा वापस ले लिया, वो रणनीति आप ही जानते होंगे। लेकिन एक बात और है, जिस तरह से जो भाजपा के लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिला उनको संतुष्ट आपने कैसे किया, तमाम जो पार्षद हैं वो भी आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं? वो सारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं, संतुष्टि असंतुष्टि ये प्रक्रिया है, ये भाव है मन का, लेकिन हम सब लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं ना, जिस दल के लिए हम पसीना खून सब बहाते हैं, और नाराज़गी से अगर उस दल को नुकसान हो जाए ये भाजपा का कार्यकर्ता कतई नहीं बर्दाश्त कर सकता। भाजपा का कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता है, वो नाराज़गी तो व्यक्त करेगा लेकिन आंख बंद करके जुटेगा तो फूल के लिए, जुटेगा तो मोदी योगी के लिए, जुटेगा भाजपा के लिए, और उसके मन में भाजपा के अलावा कुछ बसता नहीं है, कोई कुछ भी कर ले, वो टिकट उसका अधिकार है, मांगेगा और उसके उसको लगता है कि मेरा हक है मैं उसको मांगूंगा, वो हक मांगता है, और जब चूंकि वो मिलेगा तो एक व्यक्ति को, मांगते पांच पांच हैं, बाकी दलों के पास तो प्रत्याशी ही नहीं है, दावेदारी नहीं है, तो कौन मांगेगा,
वहाँ देने के लिए वो लाइन लगाए खड़े हैं कि भाई कोई ले लो, और हमारे यहाँ लेने के लिए लाइन लगाए खड़े हैं। तो अंतर तो बहुत है, जमीन आसमान का अंतर। वहाँ कोई खरीदार नहीं है और यहाँ हमारे पास देने के लिए सामान नहीं है। एक समय प्रदेश में ऐसा भी था कि आपकी पार्टी के लिए लोग प्रत्याशी नहीं मिलते थे, आज विपक्षी दल की वही हालत है। बिल्कुल आपने सही कहा। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ मोदी जी को, धन्यवाद देता हूँ योगी जी को, धन्यवाद देता हूँ भाजपा के जो संगठन के शिल्पकार हैं, जिन्होंने दिन रात बिना स्वार्थ के, बिना जातिवाद के, बिना भेदवाद के, बिना भाषावाद के, बिना अर्थवाद के, और दिन रात भारत माता की जय करने वाले कार्यकर्ता खड़े करे। आज वो भारत माता की जयकारा लगाने वाले कार्यकर्ताओं की दम पर कोई दल अब दूर दूर तक उनके सामने नहीं ठहरता, केवल और केवल भाजपा ही भाजपा पूरे देश में नजर आती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, केवल और केवल भाजपा है। और वो उस भाजपा की जो पृष्ठभूमि है, जो आधार है, वो भाजपा के देव तुल्य कार्यकर्ता है। ये तो हमारे साथ बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा, जिनका साफ तौर से कहना है कि हम उत्तर प्रदेश में सारी सीटें जीतने वाले हैं, और लगातार झांसी की जो बात कर रहे थे तो झांसी की कमोबेश स्थिति ऐसी रहेगी। पुष्पेंद्र यादव, टाइम समाचार, झांसी।